लास्ट सीन में हमने देखा था कि शाशा के पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे पैसे मांगते हैं, तभी वहाँ पे जिनयांग आ जाता है और उसकी हेल्प करने की बात करता है, जिस पर शाशा भी मान जाती है, वो भी इस बात पे कि वो उसके साथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगा और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। जिस पर शाशा भी मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जिसका नाम सू चैंगी होता है, जो शाशा को बोलता है कि उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसे फालतू चीज़ों पर अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसके साथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उस चीज़ से उसे बहुत सारे फायदे होंगे और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, जिससे वो अपने सभी कर्जदारों को पैसा दे सकती है और उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये बात सुनकर शाशा को मौका मिल जाता है जिनयांग के कॉन्ट्रैक्ट पर ना साइन करने का, और वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसमें टाइम लेकर अच्छे से सोच के बताना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जिनयांग और चैंगी आपस में बात करते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि ये दोनों फेस्टिवल में एक दूसरे के राइवल हैं। दोनों को यहाँ पे शाशा चाहिए ताकि वो कंपटीशन में जीत सके, और उन लोगों की बातें बाहर से शाशा सुन रही होती है। जिसके बाद हमें इन तीनों को एक जगह बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे शाशा काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद ये कहती है कि मुझे तुम दोनों के बीच में एक कॉम्पटिशन करवाना चाहिए, जो भी जीतेगा मैं उसके साथ जाऊँगी कॉम्पटिशन में, जिसके लिए दोनों ही मान जाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह हमारा कॉम्पटिशन होगा। जिसके बाद वो दोनों लोग अपने अपने महल आ जाते हैं, जिसके बाद चैंगी सोच रहा होता है वो बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करता है, वो ज़रूर जीत जाएगा, क्योंकि उसे बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और यहाँ पे जिनयांग को दिखाया जाता है, जो कि जिनके साथ ये सोच रहा होता है कि मुझे पहले ध्यान रखना चाहिए था, वो केयरलेस हो गया और उसे नहीं पता था कि चैंगजी की भी नज़र शाशा के ऊपर ही होगी और वो एंड टाइम पे आ जाएगा, लेकिन इस वक्त उसे किसी भी तरह कॉम्पिटिशन में जीत कर शाशा को अपनी साइड करना होगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन यहीं पर जॉब करती है, जिसे उनके कॉम्पिटिशन के बारे में पता चलता है, जो कि कल सुबह है, और उस बात की वो फिक्र करती है, लेकिन जिनयांग कहता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। जिसके बाद हमें शाशा को दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी सर्वेंट किनकिन होती है और वो उससे बातें कर रही होती है कि उसे चूज़ करना चाहिए और कौन राइट पर्सन होगा, जिसके बाद वो दोनों के बारे में सोचने लग जाती है कि कौन ज़्यादा अच्छा है और कौन ज़्यादा बुरा, लेकिन फिर वो मनी के बारे में सोचने लग जाती है और साथ में पीपा गर्ल के लवर के बारे में भी, और वो सोचना छोड़ देती है और कहती है कि जो जीतेगा वो उसी के साथ जाएगी, क्योंकि अभी उसे पीपा के लवर को भी ढूंढना है, जिससे स्टोरी आगे बढ़ेगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे जिनयांग को दिखाया जाता है, जिसके पास सूजी आता है, जो कि रेस्टोरेंट में काम करता है, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, और वो यहाँ आकर जिनयांग का सर खा रहा होता है और उसे काफ़ी मक्खन लगा रहा होता है, और काफ़ी सारी बातें करने के बाद उसे बताता है कि उसकी ग्रुप में एक लड़की है शिन नाम की, जिसका उसके ऊपर क्रश है, क्योंकि पिछले के एपिसोड में जो शिन है वो इसी ग्रुप में आने की बात कर रही थी अपनी सर्वेंट के साथ, और ये बात सूजी ने सुन ली थी, और इसीलिए वो जिनयांग के पास आया है, क्योंकि जिनयांग और ये सूजी जो है वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद हमें शिन को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर पीपा की प्रैक्टिस कर रही होती है, और जैसे ही पीपा प्रैक्टिस का टाइम खत्म होता है वो वहाँ से भाग जाती है, जबकि म्यूजिक ऑफिसर उसे रोकने का ट्राई करते हैं, जिस पर शिन कहती है कि लाइफ अपनी जगह है और जॉब अपनी जगह, वो अपनी लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करना चाहती है, इसीलिए वो जा रही है। और ये सब सुनकर की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि जो शिन है वो जिनयांग की असिस्टेंट है और इसी वजह से वो अपनी मनमर्जी कर सकती है यहाँ पे, जबकि की जो है वो शायद जिनयांग को पसंद करती है और इसीलिए उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये सब। जिसके बाद यहाँ पे सूजी और जिनयांग को दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनयांग ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उसका क्रश शिन है। सूजी जो है वो जिनयांग से यहाँ पे कोई आइडिया ले रहा होता है कि किस तरह वो शिन को पटाए, लेकिन जिनयांग तो उसे सीधे सीधे मना कर देता है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, लेकिन सूजी तो उल्टा और ज़्यादा चिपक जाता है जिनयांग से और उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सूजी जो है वो अपने रेस्टोरेंट आता है, जहाँ पर शिन जो है वो पहुँची हुई होती है और बहुत सारा खाना खा रही होती है, और सूजी यहाँ पे उसे इम्प्रेस करने का कोई बहाना ढूंढ रहा होता है और वो और ज़्यादा खाना मंगा लेती है और उसे अपने साथ खाने के लिए बोलती है, और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो भी इतना सारा खाना खा लेता है, जिसके बाद उसके पेट में दर्द होने लग जाता है, लेकिन वो फिर भी शिन से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी शिन को बाहर से आवाज़ आती है कि कोई शुगर कैंडी बेच रहा है, और वो वापस वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें की को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कुछ लड़कियों के साथ बैठकर जिनयांग के बारे में बात कर रही होती है और साथ में शिन के बारे में, वो अपनी प्रैक्टिस को अधूरा छोड़े बिना वहाँ से चली गई। जिसके बाद हमें वापस से सूजी और शिन को दिखाया जाता है, जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे सूजी जो है वो शिन को अपने रेस्टोरेंट में काम करने का ऑफर करता है और कहता है कि तुम एक साथ दो जॉब कर सकते हो और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है ये बोलकर कि मैं एक साथ दो जॉब नहीं कर सकती, और ये बोलकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे शिन बोलता है कि उसे फ्री में फूड मिलेगा और उसके बदले उसकी पेमेंट डबल हो जाएगी, और ये सुनकर तो शिन भी हाँ कर देती है और टैलेंटिंग वॉलशिप को छोड़ने की बात करती है, जो कि पीपा सिखाया जाता है जहाँ पे। जिसके बाद हमें शाशा और चैंगी को दिखाया जाता है, जो अपने अपने होल को दिखा रहे होते हैं। जिसके बाद दूसरे सीन में शाशा जिनयांग के साथ होती है, जहाँ पे वो उसे भी अपना होल दिखा रहा होता है, और उन दोनों का ही होल से वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है, जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं और कहती है कि इस तरह तो तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए म्यूज़िक कॉम्पिटिशन ही होगा। जिसके बाद तीनों को साथ में दिखाया जाता है कि म्यूज़िक कॉम्पिटिशन वो टीचिंग वर्कशॉप में करेंगे, और ये फैसला शाशा का होता है, इसलिए दोनों को मानना पड़ता है कि शाशा की ज़रूरत है इन्हें। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इनका कंपटीशन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जगह पे शाशा होती है पीपा के साथ और वो एक म्यूज़िक प्ले करती है, जिसे सुनकर ये दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि ये इतना ज़्यादा हार्ड म्यूज़िक क्यों प्ले कर रही है, और वो भी कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से,
और साथ में वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी प्ले कर रही होती है। जिसके बाद चैंग जी और जिन यांग दोनों की टीम से कुछ कुछ बंदे आते हैं और वहाँ पे म्यूजिक प्ले करने का ट्राई करते हैं, लेकिन दोनों टीम के मेंबर से कुछ भी नहीं हो पाता और साथ साथ कंटिन्यू अभी भी वो म्यूजिक प्ले कर ही रही होती है। जिसके बाद जिन यांग और चैंग जी दोनों साथ में म्यूजिक प्ले करने के लिए बैठते हैं और शासा अपना म्यूजिक प्ले कर रही होती है और काफी देर तक इनका कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो जिन यांग है वो हार जाता है क्योंकि उसके विचिन का एक तार जो है वो निकल जाता है और इस तरह से चैंग जी जीत जाता है और शासा को अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए कहता है और इसके लिए शासा भी हाँ कर देती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जिन यांग है वो काफी ज्यादा उदास होता है और एक फ्लूट प्ले कर रहा होता है और उससे दूर खड़ा जिन होता है और सोच रहा होता है लिटिल फॉक्स ने सच में चैंग जी को ज्वाइन कर लिया। इस बात से जिन यांग कितना ज्यादा उदास है क्योंकि अब वो सैनवन फेस्टिवल में प्ले नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हमें चैंग की का सीन दिखाया जाता है जिसके पास उसका एक सर्वेंट आता है और बताता है कि शासा जो है वो हमारी टीम में ज्वाइन हो रही है, इसके लिए हमें एक बैंक्वेट करना चाहिए। जिस पर जिन यांग भी हाँ कर देता है और कहता है कि ये सब सिर्फ उसके हस्बैंड की वजह से हो पाया है, वरना हमें शासा के बारे में पता नहीं चलता और शासा बहुत ज़्यादा छोटा मैटर है मेरे लिए, उसे सिर्फ जिन यांग से जीतना है और वो ऑलरेडी जिन यांग से एक बार जीत चुका है तो वो फाइनल कॉम्पिटिशन में भी जीत जाएगा। जिसके बाद जिन यांग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी उदास होता है और उसके ग्रुप की जो बैक म्यूजिशियन जितनी भी अभी तक प्रैक्टिस कर रही थी वो भी इन सब चीज़ों को नोटिस करती है। जिसके बाद जिन यांग उन्हें आज की क्लास वहीं पर ख़त्म कर वहाँ से जाने लग जाता है और उसके जाने के बाद ये सब लोग आपस में सोच रहे होते हैं कि अब जिन यांग को कोई भी लड़की नहीं मिली फाइनल कंपटीशन के लिए, इसका मतलब कि उनकी ये जॉब खतरे में है और हमें कोई न्यू जॉब ढूंढनी चाहिए। जिस पर ये सभी लड़कियां आपस में बात कर रही होती है और कहती है कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, शायद जिन यांग किसी को ढूंढ ले। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है शासा के पास उसकी सर्वेंट किन किन होती है जो उसके पास एक लेटर लेके आई होती है जो कि म्यूजिकल तैंसी का होता है, लेकिन शासा को नहीं पता कि तैंसी कौन है और उसने उसे लेटर क्यों भेजा है और वो उससे आज रात मिलने की बात करता है। तभी हमें जिन यांग को दिखाया जाता है जिसके पास जिन आता है और काफ़ी घबराते हुए बताता है कि तैंसी यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही जल्द वो यहाँ पे पहुँच जाएगा और हमारा जीना मुश्किल कर देगा। और तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो बताती है कि तैंसी जो है वो यहाँ पे आ जरूर रहा है लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा, बल्कि उसने शासा से मिलने का डिसाइड किया है और वो आज रात शासा से मिलने जाने वाला है। और ये बात सुनने के बाद जो जिन यांग है वो शासा के रूम के बाहर आ जाता है क्योंकि तैंसी वहीं उससे मिलने आने वाला था। और तभी वहाँ पे शासा आ जाती है, वो जिन यांग को ही टेंशन समझ लेती है और सोचती है कि उसने वो झूठा लेटर भेजा ताकि वो उससे मिलने आए, लेकिन जिन यांग उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, वो खुद यहाँ पे टैंक्सी को ढूंढने आया है लेकिन वो सब कुछ देख लेगा। लेकिन सच में शासा को लगता है कि पिछले कॉम्पिटिशन में वो हार गया था, इस बात का वो बदला ले रहा है, लेकिन जिन यांग जो है वो उसे इस बात के लिए मना करता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी चॉइस थी, मैं तुम्हें इस बात पर कुछ भी नहीं कहूँगा, और ये बात बोलकर वो जाने लगता है। और तभी जिन यांग से एक पर्सन टकरा जाता है जिसे जिन यांग संभालता है और हमें उसकी नेक पर एक निशान दिखाया जाता है जो कि शासा देख लेती है और सोचने लग जाती है कि जिन यांग ही पीपा गर्ल का लवर है, लेकिन तब तक जो जिन यांग है वो वहाँ से जा चुका होता है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है चैंग सी का, जिनसे मिलने के लिए एक पर्सन आए होते हैं जिसका नाम जोन चैंग होता है और वो यहाँ पे शासा के बारे में पूछते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ही जल्द शासा पहुँचने वाली है क्योंकि आज ये सब लोग जो है वो शासा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जिससे शासा ऑफिशियली इनकी टीम की हो जाएगी। और तभी हमें जिन यांग को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की होती है और वो शासा के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन जिन यांग उसे कहता है कि लिटिल फॉक्स यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि आज वो चैंग जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, और उस लड़की को कहता है कि वो एक घंटे बाद सभी लड़कियों को इकट्ठा करके उसे बुलाए। जिसके बाद हमें शासा और किन किन को दिखाया जाता है जो कि जिन यांग के महल के बाहर खड़ी होती है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन यांग जो है वो उन सभी लड़कियों को बोल रहा होता है कि उनका टीम ग्रुप जो है वो खत्म हो चुका है, वो अपने लिए दूसरी सेकंड जॉब ढूंढ ले, लेकिन सभी लड़कियाँ कहती है कि उन्हें पीपा बजाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, वो इतनी जल्दी और कैसे कुछ और ढूंढ सकती हैं, हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्या पता हमें कोई ना कोई मिल जाए, लेकिन इसके लिए जिन यांग मना कर देता है और कहता है कि इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो साथ में शिन को कहता है कि वो उसकी असिस्टेंट थी, अब वो उन पूरे ग्रुप की लीडर बन जाए, लेकिन शिन मना कर देती है कि लीडर का काम उसे नहीं होगा, लीडर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है और वो असिस्टेंट ही ठीक है क्योंकि लीडर वाली जॉब तो उससे नहीं हो पाएगी। और इस बात पर जिन यांग उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन तभी वहाँ पे शासा आ जाती है और वो उन्हें बताने लग जाती है कि किस तरह उन्हें इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहिए और उन्हें लीड करने लग जाती है, जिसे जिन यांग भी देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसे इस टाइम पर चैंग जी के साथ होना चाहिए था। जिस पर शासा जो है वो जिन यांग से अकेले में बात करने के लिए बोलती है और उनके जाने के बाद सभी लड़कियां सोच रही होती हैं कि अचानक से इसने अपना माइंड चेंज क्यों कर दिया। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिन यांग जो है वो शासा से पूछ रहा होता है कि आखिर वो वापस क्यों आ गई यहाँ पर, जिस पर शासा कहती है कि सभी लड़कियां उसे कितना ज़्यादा पसंद करती है तो आखिर वो उसका दिल कैसे तोड़ सकती है, और वो भी उसके पास आकर, जिससे जिन यांग पीछे की तरफ जा रहा होता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों करना चाहती है। जिस पर शासा कहती है कि वो तो बस यहाँ पर तुम्हारे कॉम्पिटिशन में हेल्प करने आई थी, पर अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। और उसे जाता हुआ देख कर जो जिन यांग है वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें फाइनल कॉम्पिटिशन के लिए वो अपॉइंट करना चाहता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं यहाँ पर, जिसके बाद जिन यांग जो है वो जिनको कहता है कि इसके ठीक से रहने की पूरी तैयारी कर दें। और यहीं पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन खत्म।